अभियान का ये जो दौर चल रहा है बड़ा भयानक और बहुत भयावह दौर है। प्रशासन के द्वारा जो एक बल्कि फरमान जारी किया गया है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटर मैनेजर के द्वारा जो इस तरह का आदेश जारी किया गया है मित्रों, ये निश्चित रूप से उनके जीते जागते मजदूर विरोधी नीतियों का एक उदाहरण है। साथियों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस दिन ये आदेश जारी हुआ हम लोगों ने महामंत्री जी से बात किया, उनके संज्ञान में बात डाली, महामंत्री जी के द्वारा पत्राचार के माध्यम से महाप्रबंधक महोदय को सूचित भी किया गया है कि महाप्रबंधक महोदय उस दिन प्रयागराज में नहीं थे, सीपीओ एडमिन पॉजिटिव है इस समय, सीपीओ प्रशासन सीपीओ मेन सीपीओ पॉजिटिव है, सीपीओ प्रशासन से महामंत्री जी की बात हुई और महामंत्री जी ने स्पष्ट इस बात के लिए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, अपना विरोध दर्ज करा दिया है कि आदेश हमें मान्य नहीं होना भी ये नहीं चाहिए था। मित्रों, कम से कम कोई भी निर्णय लेने से पहले महाप्रबंधक स्तर से जो निर्णय हो रहे हैं, जो आदेश जारी हो रहे हैं, अगर इस तरह का कोई आदेश जारी हुआ था तो उसके पहले NCR के शिकायत कर विश्वास में भरोसे में लेना चाहिए। अगर हमारे तरफ से सहमति होती कि हम आपके प्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से इस तरह की कोई सहमति नहीं देते, लेकिन एक बार बात करता तो हम अपना विरोध दर्ज करा देते नौबत। लेकिन आदेश आ गया, दबाव भी बनाया जा रहा है, महामंत्री जी ने पत्राचार किया, उसके बाद उन्होंने निर्देश भी दिया कि मैंने तो पत्र लिख दिया है, अपना विरोध टेलीफोन से मोबाइल से भी दर्ज करा दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पे तुम लोग पूरे डिवीजन में नहीं पूरे जोन में इस बात का विरोध करो, हर लाबियों पे इसका विरोध होना चाहिए। प्रशासन के पास उनके रेलवे इंटेलिजेंस के माध्यम से संदेश जाना चाहिए कि कर्मचारियों में आक्रोश है इस आदेश को लेकर। हमारे बहुत से साथी थे परसों, सेंट्रल के ड्राइवर लाबी थे, भाई आर के सिंह के वहाँ काम हुआ, इन्होंने सबको बताने का काम किया था, सभी शाखाएं आई थी, रेलवे इंटेलिजेंस के लोगों से हमारी भी बात हुई, इन्होंने भी अपने जो रिपोर्ट थी उसकी एक कॉपी देने का काम किया और हेडक्वार्टर स्तर से आपकी रिपोर्ट गई भी है। आज भी प्रयागराज में विरोध हो रहा है, टुंडला में विरोध हो रहा है, कानपुर में आपको गई है विरोध करने के लिए। निश्चित रूप से शाम तक हम लोग महामंत्री जी को भी इन सारी चीज़ों से अवगत कराने का काम करेंगे, लेकिन मित्रों हमारा एक कहना है, मानना है, आप लोगों को भी जान करना है, मैं और विभागों की बात आज नहीं कहूँगा, समय ठीक नहीं है, लेकिन अगर रेलवे बोर्ड स्तर से NCR के महाप्रबंधक के स्तर से प्रयागराज मंडल के मंडल रेल प्रबंधक के स्तर से कोई मजदूर विरोधी इस तरह का आदेश अगर होता है तो हम लोगों के बीच में जो श्रम संगठन मान्यता में है उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, सब कुछ मुझे आज भी याद है, 2 साल पहले की बात है, 2 मिनट चर्चा करूँगा कि फाग सेफ्टी डिवाइस के नाम से एक आदेश जारी हुआ था, जो भी चालक जाएंगे जाड़े के दिन में फाग सेफ्टी डिवाइस लेके जाएंगे। प्रयागराज मंडल में उसका विरोध शुरू हुआ, कानपुर में आप लोगों ने भी विरोध किया, ADRM ऑपरेशन उस समय अनुराग कुमार गुप्ता हुआ करते थे, प्राय मेरी बात उनसे होती थी, हमारे सीनियर भी रहे। जिस दिन आपने यहाँ विरोध करना शुरू किया तुरंत तो संपर्क में आए कि यार विरोध बंद करा दो, हमने उनको बताया तकनीकी बात शांत हो गए, लास्ट में बहुत सारी बात हुई, आप समझ सकते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी रखवा क्या चाहता, अधिकारियों का तो ये मानना है कि मेरा मौखिक ही आदेश हो जाए तब भी आदेश का अनुपालन अक्षरशः होना चाहिए, मित्रों अधिकारियों की ये मनोवृत्ति वैसा ही वो भी करने लगे।
एक हफ्ते तक आपके इस लॉबी पे, स्टेशन के लॉबी पे मैं प्रतिदिन आता था। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन आपके शाखा के द्वारा हुआ और कानपुर की सातों शाखाओं ने बढ़ चढ़ के उसको सहयोग किया। मित्रों, अंततोगत्वा नए साल के पहले दिन सीनियर प्रूफ कंट्रोलर उमाशंकर जी थे, इन्हीं के माध्यम से प्रशासन ने लिखित पत्र दिया शाखा मंत्री को कि भाग सेफ्टी डिवाइस जबरदस्ती किसी को नहीं दिया जाएगा, ये बंद किया जा रहा है। तब इसी लॉबी के कानपुर सेंट्रल के आंदोलन का समापन किया गया था। मेरा कहना यह है साथियों, बड़ी बड़ी बात हम करें ठीक है, करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यूनियन है, मेरा भी मानना है कि हम प्रशासन नहीं है, हम आदेश नहीं दे सकते हैं, हस्ताक्षर आदेश पे करके नहीं फॉलो करा सकते हैं, लेकिन प्रशासन की जो मजदूर विरोधी नीति होगी उसका निश्चित रूप से भरपूर विरोध करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी आपकी है, उसमें हमें पीछे नहीं रखना चाहिए। अभी अनूप जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है मित्रों कि दो मान्यता प्राप्त श्रम संगठन है, हमें नहीं कहते हमारे साथ हो आवे, हमारे झंडे बैनर के नीचे आवे, लेकिन अगर आज हम यहाँ कर रहे हैं, आज अगर कानपुर सेंटर लॉबी पे करते तो क्या दबाव जोड़ने भी एक सीट बन जाएगा, या 26 तारीख को हम कानपुर सेंटर लॉबी पे नीचे थे वो जीएमसी लॉबी में करते तो इसका दुगना प्रभाव नहीं पड़ता। प्रयागराज में जो कार्यक्रम हो रहा है अगर दूसरे साथी भी करते वहाँ पे तो क्या इसका दबाव नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव करता है, कहीं न कहीं अगर इस तरह की हम हिला हवाली कर रहे हैं तो अपरोक्ष रूप से प्रशासन को हमारी सहमति मानी जाती है, प्रशासन का मनोबल बढ़ता है मित्रों, और जो फील्ड में विरोध करता है उसे और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेहनत करने की। वो काम हमारा 2 दिन में हो जाएगा, 10 दिन लगता है कराने में, ऐसा प्रशासन लेकिन कोई बात नहीं। इतने कठिन समय में आप इतने लोग उपस्थित हुए हैं मित्रों, तो आज हम भी महामंत्री जी को निश्चित रूप से शाम को करेंगे, बताने का काम करेंगे कि 50 के तादाद के महोदय वहाँ पे असिस्टेंट जी को कार्यक्रम और आपके इस आंदोलन को गति देने के लिए उन लोगों ने अपनी सहमति देने का काम किया मित्रों। किसी के साथ एफआईआर के बिना एफआईआर कैसे नहीं होने देगा, ऐसा हमारा हमेशा प्रयास रहा है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो कानपुर सेंट्रल में सारी ब्रांचों को लेकर के हमें सार्वजनिक रूप से भी प्रदर्शन करना पड़ेगा, डीआरएम और डीएम का मुद्दा बात भी करना पड़ेगा मित्रों। कानपुर की धरती पे 3-3 सप्ताह तक एनसीआरएस ने इस तरह के आंदोलन किए हैं और जिन लोगों के विरुद्ध, जिन अधिकारियों के विरुद्ध किया है उनके प्रति खिलाफ कार्रवाई करा के ही आंदोलन का समापन किया है, चाहे हमें डीएम के राइट पे जाके मुर्दाबाद करना पड़ा हो या डीआरएम की गाड़ी पे जाके मुर्दाबाद करना पड़ा हो, कि हमारा कैडर कहीं नहीं रहता, सारी ब्रांचें हमारे साथ चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने आदेश किया है, उनके आका इस आदेश को वापस लेके कैंसिल करेंगे, महामंत्री जी की बात नहीं है, आपकी बात भी है, प्रयास हम लोग कर रहे हैं, बस हम लोगों को क्या करना है, ब्रांच स्तर पे हमें अपना दबाव बनाने की जरूरत है। आज हमने यहाँ किया, अगर जरूरत पड़ेगी कल फिर हमको करना पड़ेगा, स्टेशन पर तो यहाँ करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। हम 50 के तादाद में होंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे मित्रों, लेकिन अधिकार और सम्मान के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसके लिए हम लोग भी जो है बिल्कुल मन बना चुके हैं। एक दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, कोरोना संक्रमण का, कोविड-19 का संक्रमण बन रहा है। 15 अप्रैल को रेलवे अस्पताल के इंपैनल्ड पे जितने भी कानपुर क्षेत्र में सुलझा अस्पताल है, दक्षिणी क्षेत्र में है मधुपुर अस्पताल, बीएमसी है, मधुराज है, चांदनी है, कुलवंती है, भार्गव है, कितने अस्पताल हैं आपके पैनल के। 15 तारीख को सीएम एस कानपुर से हमने मांग किया पत्राचार के माध्यम से
बातचीत की पुष्टि करी होगी कि जितने भी पैनल्ड अस्पताल हैं रेलवे अस्पताल के पैनल पे हमें COVID-19 की सुविधा उन अस्पतालों में इलाज कराने की काम की जाए, हमें रेफरल व्यवस्था दी जाए, हमारे पास पैसा नहीं। इस महोदय का जवाब आया कि आपका सुझाव बढ़िया है, मांग अच्छी है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में अभी इसके हम निर्णय नहीं ले पाए। मित्रों, 22 तारीख को हमने DRM महोदय को चिट्ठी लिखा है कि कानपुर रेलवे अस्पताल को कोविड के इलाज के लिए COVID-19 हॉस्पिटल घोषित किया जाए, सारी व्यवस्थाएं दी जाए। मैंने पहले चिट्ठी भेजा उनको, उसके बाद मोबाइल फोन पे बात मैंने किया, अपनी बात रखी। 22 तारीख की बात बता रहा हूँ साथियों, मुझे लग रहा है उनका भी यही जवाब था कि नर्सिंग स्टाफ की हमारे पास कमी है। हमने कहा आपका नेटवर्क बड़ा है, कानपुर में आप अपने CTM को डिप्यूट करिए, कानपुर DM से बात करें, कानपुर CMO से बात करें, लेकिन हमारे कर्मचारियों के इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। 2 बजे मेरी बात हुई थी साथियों, और 3 बजे उन्होंने कोरोना हेल्प डेस्क के नाम पे CTM को आदेश दिया, कोरोना हेल्प डेस्क के नाम से इन्होंने यहाँ पे कंट्रोल रूम बना दिया, एक PT बैठाए जा रहे हैं। सुविधा हमें क्या मिल रही है? कोई सुविधा नहीं है साथियों। अभी हमारे वक्ता साथियों ने बताया, चाहे वो आपके परिचालन के साथी हों, गार्ड साथी हों, इंजीनियरिंग के साथी हों, CHI के साथी हों, SNT के साथी हों, इलेक्ट्रिक CTM साथ हो, हर जगह के दो दो चार चार स्टाफ के साथ कैजुअल्टी हो चुकी है। आज हमारे साथी हमारे बीच में नहीं है। अभी कल की मैं घटना बताऊँ आपसे, अनूप जी फोन करके बताए कि धर्मेंद्र कुमार टेक्नीशियन हमारे बीच में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, परसों भी उनको अस्पताल ले आया गया था, अस्पताल ने 2 घंटे केवल ऑक्सीजन दिया, रेलवे अस्पताल की बात बता रहा हूँ, और हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे पास उनके परिवार के लोग मजदूरी से उनको घर लेके चले गए। रात में तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए, वहाँ भी ऑक्सीजन के अभाव में उस हमारे कर्मचारी का देहांत हो गया। कल दोपहर में इन्होंने फोन किया कि आप CTM से बात करिए, मैंने CTM को फोन किया, बताया उनसे, बोले 10 मिनट का समय दीजिए, मैं प्रबंध कराता हूँ उनको। 10 मिनट तक फोन उनका नहीं आया, लेकिन मैं कहूँगा कि 12-14 मिनट बाद उनका फोन आया, बोले व्यवस्था हो गई ऑक्सीजन की, मैंने कहा कर्मचारी की महोदय क्या बचता है आपके पास, हाय हाय करने के अलावा कोई साथ में नहीं रह जाता। मित्रों, हम लोग प्रयासरत इसी बात के लिए है कि कम से कम हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए कि 5-10 जो भी एक बेड हमें दिया जाए रेलवे अस्पताल में, जब तक COVID-19 हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती है, कि जो कर्मचारी हमारा सीरियस है उसको आप भर्ती करो, ऑक्सीजन लगा दो, इलाज करो, जहाँ पे जगह खाली हो आप उसको दिन में बंद करना। आज सुबह की बात है, SNT का एक हमारा कर्मचारी है आकाश झा, पॉजिटिव हो गया था, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, हमारे साथी गए वहाँ लेके अस्पताल में सीधे ले जाके उसको बेड पे बिठा दिए। उसको CMS महोदय को आज बहुत खराब लगा है, आके उन्होंने विरोध कर दिया कि कैसे आप लोग अस्पताल के अंदर आए। हमारे NCRES SNT शाखा के अध्यक्ष महोदय वहीं के हैं, फार्मेसिस्ट, उनकी और CMS की आज बहुत जायजा हो गई, बहुत झगड़ा हुआ मित्रों, और मुझसे भी फोन से बात हुई, मैंने भी कहा जितना आप लोग बेइज्जत कर सकते हो उस अधिकारी को करो, और हार मान के उसने आज बबुराज में उनको रिफर कराया है उनको, और बबुराज में भर्ती हुआ हमारा बड़ी हिसाब से हुआ। मेरा आप लोगों से कहना है कि नौकरी की आप चिंता छोड़ो, अधिकार और सम्मान के लिए आप लोग जो है पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, रेल का वो समय नहीं है कि अंगूठा दे के लोग तनख्वाह लेते थे, अपने अधिकार के लिए लड़ने का आदत डालिए, लड़ने का हौसला बनाइए। मित्रों, किसी अधिकारी की स्थिति नहीं है जो तो आपके गृहमान पे हाथ डालने की हिमाचत करेगा। कानपुर स्तर पे, प्रयागराज मंडल स्तर पे मैं बता रहा हूँ,
कि कोई अधिकारी इस तरह की अधिष्ठता करता है इस समय, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि चाहे जिस लेवल पे आना पड़े एनसीआरएस कैडर उसका भरपूर जवाब देगा, भरपूर विरोध करेगा, कहीं से आपका बाल फांका नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह का आदेश आप लोगों से कहना है तभी तो एनसीआरएस कैडर प्रयास कर रहा है, सफलता मिल जाएगी। लेकिन किसी भी विभागों में कोई कर्मचारी अगर सीरियस होता है तो सारे लोग ग्रुप के लोगों से जुड़े रहिए मित्रों, चाहे कितने अस्पताल हैं, दबाव हमारा भी है, सीपीएम से बराबर बात हो रही, सीएम से बात हो रही है। अभी हमने सवेरे सीपीएम महोदय से कहा है कि आपके पास जो हेल्प डेस्क बना है ये अगर लोगों अस्पताल में बना दिया जाए तो कम से कम समन्वय स्थापित होगा, रेफर करने में सुविधा नहीं होगी। सीएमएस से भी मेरी बात हुई है, लेकिन उन लोगों ने जो बेबसी जाहिर करने का काम किया है, उन लोगों ने कहने का जवाब देने का काम किया है, ये सारी प्रक्रिया सिविल गवर्नमेंट के सेक्टर मजिस्ट्रेटों के अंतर्गत हो रही है। हम लोग जो दूसरी व्यवस्था है रेलवे को COVID-19 अस्पताल बनाने की, उसके होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है मित्रों, ये कहने में कोई अब संकोच नहीं हो रहा है, कर्मचारियों अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा दे रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। अगर गंभीर होते तो 10-5 वर्ष की स्टाफ की व्यवस्था करके COVID-19 का इलाज जिस तरीके से प्रयागराज में हो रहा है तरीके से, लेकिन दबाव बना हुआ है मित्रों। प्रयास हम लोगों का भी है, कल प्रधानमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया, जब अनुमति के लिए बात हुई है उन्होंने भी सीएम जी से बात करने का भरोसा दिया है, सीएम से बात करने का भरोसा दिया है कि कानपुर के लिए हम लोग कुछ बेहतर कर सकें, उसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है। काफी समय ज़्यादा हो गया, अंत में मैं यही कहूँगा कि कोई भी आंदोलन हमारी किसी अधिकारी से लड़ाई एनसीआरएस किसी से व्यक्तिगत बंदिश रखने का काम नहीं करता है, लेकिन जहाँ अधिकारों पे जहाँ हमारे मूलभूत अधिकारों पे विश्वासघात होने का काम हो रहा है वहाँ से हमें लोगों बना के रखिए। भाई आर एन पी सिंह आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी शाखा का नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व पे पूरा भरोसा रखिए मित्रों। निश्चित रूप से आज नहीं कल आपके पक्ष में जो भी निर्णय होगा आपके निगम में होगा, इसलिए आपके निर्णय करा के ही सम्मान में ही निर्णय लेके आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। अभी सब बातों के साथ आज आप पूरा आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हुए और आज के कार्यक्रम की जय हिंद, जय समाजवाद, जय सियाजी जिंदाबाद।